शुक्रवार को रात 8 बजे के दौरान पाड़ी के वेलग्रेड अस्पताल को एसी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है। 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहा, लेकिन अभी तक अस्पताल संचालक राहुल ठौरे पर कोई कार्यवाही नहीं होने से लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व भीम सेना ने वेलग्रेड मामले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही व 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। वेलग्रेड अस्पताल आग मामले में क्या कार्रवाई की गई, इसकी पूछताछ करने हमारे संवाददाता गए तो जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने पत्रकारों से मिलने से मना कर दिया, लेकिन जब जिलाधिकारी अपने कैबिन से बाहर जाने निकले तो पत्रकारों ने जिलाधिकारी को घेर लिया। वेलग्रेड मामले की जांच कहां तक आई पूछताछ की तो बताया कि कार्रवाई पुलिस करेगी। 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, यह सवाल करने पर जिलाधिकारी कार में बैठकर निकल गए। मामले से जिलाधिकारी पाला छाड़ रहे हैं व कार्रवाई पुलिस पर ढकेल रहे हैं। वाड़ी पुलिस ने केवल असंध्या का मामला दर्ज किया, 4 लोग मृत हुए इसकी जाँच पुलिस करी है। मृतक के परिवार से बयान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर मामला दर्ज होगा, यह जानकारी पीआई प्रदीप सूर्यवंशी ने दी। अस्पताल की अनुमति के बारे में पूछने पर जिलाधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। मामला गंभीर होने के बावजूद जिलाधिकारी गंभीर नहीं दिखा दे रहे। सूत्र ने बताया कि जिलाधिकारी किसी कांग्रेस नेता के दबाव में है, इसके पहले शिकायत के बाद भी जिलाधिकारी ने कार्रवाई नहीं की है। इस संदर्भ में तहसीलदार मोहन टिकले ने बताया कि मामला गंभीर है, जो घटना हुई उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी है, लेकिन अस्पताल के कागजात के बारे में पूछने पर कोई जवाब तहसीलदार ने नहीं दिया। महावितरण के उप अभियंता रूपेश मिश्राम को पूछने पर बताया कि वरिष्ठ अभियंताओं की टीम ने अस्पताल की विद्युत का जायजा लिया है, जो रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी। मामला गंभीर होने के बाद भी कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है, यह सवाल भीम सेना के रोशन सोमकुमार ने उठाया। राकापा ने कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेम झाड़े ने जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे से भेंट कर मामले की कड़ी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई व मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। वही बाड़ी का संक्रमण रोकने, मरीजों को उपचार के लिए कोविड सेंटर निर्माण करने की भी मांग की। नगर सेवक श्याम मंडपी, राजेश जायसवाल, वसंत राव इखनकर, सुरेंद्र मोरी, संतोष नारनौरे उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।